व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज टू के OLC बी ब्लॉक के हवाले से। और आज की वीडियो में मैं आपको उसका प्रॉपर एक स्ट्रीट व्यू करवाऊँगा और आपको रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, CDP प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ टू के OLC बी ब्लॉक के हवाले से। और आज की वीडियो में मैं आपको उसका प्रॉपर एक स्ट्रीट व्यू करवाऊँगा और आपको रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करूँगा और यहाँ पर मौजूद करंट डिवेलपमेंट स्टेटस के हवाले से, करंट कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से आपको साथ साथ अपडेट करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके कि यहाँ पर भी क्या करंट रेट्स चल रहे हैं, किस किस कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और कितनी कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे जो वो बेहतर हो चुका है। तो कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी अप्रोच के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड गेट नंबर 1 से मेन ड्राइवन रोड से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो मेन 200 फुट रोड के ऊपर रहते हुए डायरेक्टली आप जो है वो इस OLC बी ब्लॉक को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। इसी OLC बी ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बैरिया का अपना स्कूल मिल जाता है जो कि 100% ऑपरेशनल है। बहुत ही इसकी प्राइम लोकेशन है बैरिया का अपना ट्रांसफर ऑफिस, इसी ब्लॉक के बिल्कुल करीब तरीन है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू की बड़ी खूबसूरत मस्जिद इसी OLC बी ब्लॉक के बहुत ही नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और इसी तरह से बैरिया का अपना पेट्रोल पम्प, सिनेमा, हॉस्पिटल, मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो बहुत ही मिनिमम जो है वो ड्राइव पे मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको जो है वो इजीली अप्रोचेबल है सारी की सारी फैसिलिटीज़। अप्रोच वाइज मैंने आपको बता दिया कि इसकी मेन 200 फुट रोड के ऊपर रहते हो आप डायरेक्ट इस OLC बी ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे काफ़ी बेहतर है जिसका मैं मजीद आने वाली वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से OLC बी ब्लॉक का जो है वो स्ट्रीट व्यू भी करवाऊंगा। इसमें जो आपको कैटेगरी दी गई है वो 5 मरला और 8 मरला, दो कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिलती हैं। 5 मरला के जो अभी करंट रेट्स यहाँ पर चल रहे हैं वो तकरीबन 50 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड आपको 65 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। और इसी तरह से आपको तकरीबन 65 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 85 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको 8 मरले का ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है जिसको आप फौरी तौर पर परचेज करके फौरी तौर पर उस प्लॉट को कंसिडर कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़। जिस तरह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि OLC बी ब्लॉक बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू का वो ब्लॉक है जो कि ना सिर्फ मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लेवल वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर मिलता है बल्कि उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर नियर बाय कंस्ट्रक्शन लेवल के साथ साथ फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी मिल जाती हैं जो कि आपको इजीली जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाती हैं, जिसमें बैरिया का अपना स्कूल है, सिनेमा, कमर्शियल मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मस्जिद हैं, पेट्रोल पम्प, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके बिल्कुल जो है वो नियर बाय मिल जाता है। बड़ा एक अच्छा ब्लॉक है और बहुत ही अच्छी और रिजनेबल इसकी लोकेशन है। अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है मेन 200 फुट रोड के ऊपर, और अगर आप इसको डायरेक्टली मेन ड्राइवन रोड से अप्रोच करते हैं तो गेट नंबर 1 के थ्रू इजीली आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, अब मैं आपको इसका जो है वो स्ट्रीट व्यू करवाऊंगा जिससे आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो सके इस बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू OLC बी ब्लॉक से रिलेटेड, ताकि मजीद अगर आप इसको अगर कंसीडर करना चाहें एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ तो आपको फाइनलाइज करने में आसानी हो कि क्यों आपको इस ब्लॉक को कंसीडर करना चाहिए एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़, चाहे वो 5 मरला कैटेगरी हो या फिर 8 मरला। तो व्यूअर्स, अब हम अपने स्ट्रीट व्यू को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो आइडिया हो सके। तो व्यूअर्स, इस वक्त राइट नाउ हम OLC बी ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट व्यू करवाया जा रहा है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर काफ़ी बेहतर है, आपको हर जगह पर यहाँ पर जो है वो करूँगी की कंस्ट्रक्शन भी जो है वो नज़र आएगी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल है, हर पट्टी में आपको मिनिमम जो है वो घर वगैरह कम अज़ कम जो है वो बने हुए नज़र आएंगे। और इसी के साथ साथ इसी OLC बी ब्लॉक में आपको बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे एक पार्क मिलता है जो कि 100% ऑपरेशनल डेवलप पार्क है, जिसको मजीद अगर आप थोड़ा सा आगे स्ट्रीट व्यू देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत जो है वो पार्क मौजूद है। व्यूअर्स, ये बेसिकली आपको स्क्रीन के ऊपर जितनी भी जो है वो कैटेगरी नज़र आ रही है ये सारी की सारी जो आपको कैटेगरी मिलती है वो है जी 8 मरला। ठीक है जी, तो मैक्सिमम जो आपको OLC बी ब्लॉक में कैटेगरी मिलेगी वो 8 मरला मिलेगी। 5 मरला कैटेगरी भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन बहुत बहुत मिनिमम क्वान्टिटी में यहाँ पर आपको जो है वो 5 मरला कैटेगरी मिलेगी, लेकिन 8 मरला कैटेगरी आप यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है जी, और अगर 5 मरला की बात करूँ तो 5 मरला मैक्सिमम जो कैटेगरी आपको मिलेगी वो ए ब्लॉक में मिलेगी, OLC ए ब्लॉक और सी ब्लॉक में मिलेगी। तो अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी घर वगैरह बने हुए नज़र आ रही हैं सारे के सारे जो है वो 8 मरला के घर हैं, और 5 मरला जो यहाँ पे प्लॉट्स में जो है उनकी बहुत ही लिमिटेड ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके लोकेशन बेहतर, ज़्यादातर प्लॉट्स की 5 मरला की लोकेशन बाउंड्री के पास हैं। तो व्यूअर्स, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप इजीली जो है वो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़। तो व्यूअर्स, अब हम मेन बुलेवर्ड से डायरेक्टली जो है वो बी ब्लॉक में एंटर होने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी हम राइट नाउ जो है वो बी ब्लॉक में एंटर हो गए।
तो जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी जो है बिल्कुल जैसे आप एंटर होते हैं यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर आपको जो है वो बेहतर जो है वो देखने को मिलता है और काफ़ी फास्ट स्टेप है यहाँ पर लोग कंसिडर कर रहे हैं इस एरिया को एज आर रेंजर पर्पज, और काफ़ी फास्ट स्टेप है यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन लेवल भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है गुजरते वक्त के साथ साथ। यहाँ पर आपको दिन ब दिन जो है वो मजीद कंस्ट्रक्शन लेवल जो है यहाँ पर बेहतर होता जाता हुआ जो है नज़र आए, तो लिहाजा बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश की है कि बेहतर तरीके से आपको बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ टू के OLCB ब्लॉक का जो है बेहतर तरीके से विजिट करवाया जा सके, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके यहाँ पे मौजूद कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से, और इसी के साथ साथ आपको रेट्स के हवाले से मैक्सिमम डिटेल्स मिल सकें कि यहाँ पर आपको किस किस कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कौन कौन कितना जो है कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर आपको जो है बेहतर मिलता है, और किन रेट्स के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश किया है बेहतर तरीके से आपको गाइड भी किया जा सके, आपको विजिट भी करवाया जा सके, और आपको रेट्स के हवाले से भी आपको अपडेट किया जा सके। इसके अलावा मजीद अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो बैडी ऑर्चर्ड के फेज़ टू के किसी भी ब्लॉक या ओवरऑल बैडी ऑर्चर्ड के किसी भी एरिया में आप किसी भी कैटेगरी का प्लॉट वगैरह परचेज करना चाह रहे हो या फिर सेल करना चाह रहे हो, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर 0333115900 राइट साइड पर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.citybillestate.com। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।